हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ग्लोब। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मैं अभी पूरा रेडी होऊंगा, स्पोर्ट्स शूज पहनूंगा, तो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं ना सुबह सुबह। आपको पता ही है, अब तो मैं डेली जाता हूँ क्रिकेट खेलने। तो अब शेड्यूल बनाना है, धीरे धीरे बनेगा। और नींद तो थोड़ी धीरे धीरे ही होती है, तो 5:30 बजे उठूंगा डेली और जाऊंगा तो सही क्रिकेट खेलने, क्योंकि क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं क्रिकेट का बहुत दीवाना हूँ इसलिए। तो अब जाते हैं नीचे, साइकिल निकालते हैं, फिर चलते सीधा क्रिकेट खेलने। तो अब हम आपसे क्रिकेट खेलने जाने के बाद घर पे मिलते हैं। तो तब तक के लिए हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ नहा धो के, हो गया हूँ रेडी, हो चुका हूँ। तो आपको प्लान बताया था, तो आज का प्लान है कि मैंने आज अपना कराना है होम टूर तो करा देंगे, चलो उसकी टेंशन नहीं है। पर अभी खाना, मेरे को बहुत बहुत तेज भूख लगी, तो खाना खाना पहले, सबसे पहले। तो आज बन रहे हैं पूड़ी आलू, बहुत टेस्टी है। चलो आपको दिखाई देते हैं पूड़ी आलू, आज पूड़ी आलू दिखाते हैं। पहले पूड़ी आलू दिखाते हैं आपको, भूख लगी बड़ी तेज, खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। इस मैं क्रिकेट खेल के तो बहुत टाइम पहले आ गया था, पर मेरे को आ रही थी बहुत तेज नींद, क्योंकि आज मैं लेट हो गया था वहां से आते हुए। तो मैं आते ही ऐसे सोया कि अभी नींद खुली है, उठते ही पहले यहाँ पे आया हूँ आपके पास बात करने। तो आज का प्लान ये है, पर अभी बताऊंगा नहीं, अभी नहाऊंगा दूंगा उसके बाद आपको प्लान बताऊंगा। तो थोड़ा सा वेट करें आप कि आज का मेरा प्लान क्या है, तो बताऊंगा। अभी पहले नहा लें, उसके बाद आपको बताते हैं कि आज का प्लान क्या है। तो पहले अभी नहाने चलते हैं, उसके बाद आते हैं। इस ये देखिए, पूड़ी आलू और छोले भी है साथ में, वैरायटी है हमारे पास आज छोले की भी। देखिए अब बहुत टेस्ट लग रहा है, मैं पहले खा लूँ उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो गाइस, मैं खाना खा के आ चुका हूँ। तो मैं लेट इसलिए हो चुका हूँ क्योंकि बाहर बारिश इतनी तेज आ रही थी, कसम से मैं बाहर जा नहीं पाया इसलिए। तो अभी चलते हैं, आपको बाहर आपको वो दिखाता है ना, होम टूर भी कराना, तो होम टूर की स्टार्ट बाहर से करते हैं पहले। तो अभी चलते हैं सीधा नीचे होम टूर कराने। ये हमारी एंट्री है फर्स्ट फ्लोर की, बहुत ग्राउंड फ्लोर है। ये उसकी किचन है, किचन होगी, और ये होगी पूरी लॉबी, और ये है पूरी बालकनी होगी, और रूम से दो सेट रूम। ये मंदिर वाला रूम हो गया यहाँ, ये मंदिर में हमारे ठाकुर जी भी है, हमारे ठाकुर जी। और पीछे हो गया अपना वॉशिंग एरिया, हमारा हो गया सेकंड रूम, यहाँ पे ड्रेसिंग भी है, इसमें आ रहा हूँ, ड्रेसिंग भी है वीडियो में। तो अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। ये सीढ़ियां मैं चढ़ रहा हूं ऊपर सेकंड फ्लोर के लिए, आ चुका है मैं सेकंड फ्लोर पे आ चुका। तो गाइस, ये इनकी पूरी लॉबी है, एलईडी पैनल उन जो नीचे था वो सामने था, पर ये वाला इधर हमने डिजाइन इधर कर दिया था। और ये पूरी उनकी उनकी वहाँ पे ड्राइंग रूम था, ये पूरी यहाँ पूरा इन्होंने वेड़ाई कर दी है, और वहाँ पे अपना वो कर दिया है, ये क्या कहते हैं इसे, बालकनी। तो ये गाइस हमारी रसोई है, और ये छुटकू सा चाची का लड़का, और ये इनका जैसे दिखाया था रूम, दोनों के सेम है, मंदिर वाले हैं, मंदिर वाला है, और ये मंदिर है उनका। और ये पीछे वॉशिंग एरिया तो नहीं है क्योंकि इधर जाल आ गया, तो
तो हम कपड़े तो धो नहीं सकते क्योंकि पानी नीचे जाएगा, तो इसमें मतलब हम सामान रख लेते हैं कुछ। तो ये दूसरा कमरा है, इसकी लाइट जला ले। ये सेकंड रूम में बात वॉशरूम अटैच है। तो ये बाथरूम, वो भी बाथरूम। अब ये लॉबी, ओह सॉरी, बालकनी में चलते हैं। तो हम बालकनी में आ गए। इस बालकनी में आ चुके हैं। पर ये मेरे कैमरे को क्या चुका, एक मिनट गाइस। तो ये थी बालकनी, देख सकते हैं। ये हमारे फ्लोर का है गेमिंग हिट, और ये सेम ही है जैसे बीच नीचे था। ये बस हमारा सोफा सेट और डाइनिंग टेबल आ गया इधर, और वो वॉशरूम है। ये अपना LED पैनल, ये होगी हमारी किचन। तो और ये हमारा छोटा सा रूम है एक। ये आपको पता ही है, इधर मैं वीडियो बनाता ही बनाता हूँ, आपको पता ही है। तो आप दूसरा रूम दिखा देते हैं। दूसरा रूम में अभी नहीं जा सकते क्योंकि सो रहे अंदर, जैसे डिस्टर्ब होंगे। तो आपको पता ही है यार, मैं तो रूम में वीडियो बनाते रहता हूँ, तो एक रूम नहीं दिखाया तो क्या होगा। और ये हमारी है बालकनी, बहुत प्यारी है बालकनी। इसमें ये छोटे छोटे फूल और गमले भी हैं। और ये हमारी तुलसी माता है। तुलसी माता हम बहुत प्यार से रखते हैं सबको, वैसे सबको पानी पूनी साथ डेली देते हैं, बस तुलसी का क्योंकि संडे को देते हैं और वेनेसडे को तुलसी की में पानी नहीं देते, इसलिए हम देते नहीं हैं। बाकी पौधे बहुत हरे भरे हो रहे हैं, और भी पौधे लाने हैं, लगाएंगे हम इसमें, क्योंकि अभी भी कम लगते हैं हमें पौधे, बहुत कम है, तो हमने अभी लगाए हुए। और ये हमारी बालकनी है। तो अब आओ सीधा चलते हैं टेरिस पे। टेरिस पे जाने के लिए तो हम चलते हैं सीधा ऊपर टेरिस पे। ये हमारा वॉशिंग एरिया, हम यहाँ पे धोते हैं कपड़े मम्मी वाली। और ये गेट है टेरिस पे जाने के लिए। ये है लगा रखा हमने हनुमान जी का झंडा टेरिस पे, क्योंकि हनुमान जी का झंडा होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये पूरी टेरिस पे है छत, ये AC लगे हुए। ये देखिए, आप ये सोच रहे होंगे ये क्या बनाया, ये हमने जाल ढकवाने के लिए ऐसा बनवाया क्योंकि बारिश जो है वो नीचे ना जाए हमारे, तो हमने लगा दी। AC के लिए भी वो शीट्स लगवाए हैं ये हमने। और ये पूरा जैसे पूरी जन्नत दिखते है हमारे छत से। अभी अभी और भी पार्ट है, दिखाते हैं आपको ऊपर। अभी और भी है ऊपर, इस सीढ़ी से चढ़ते हैं ऊपर, पर ये टूटी हुई है तो ध्यान से जाना पड़ेगा ऊपर, गिर ना जाए बस। वो आगे तो मैं बंद ही करनी पड़ेगी। ओ ये गाइस, तो हम ऊपर आ चुके हैं, इधर तो जाऊंगा नहीं क्योंकि पानी भरा हुआ है। और ये टैंकी होगी हमारी, तो इधर से पूरा पूरा पानी पत दिखता है, पानी पत पूरा। देखो कोई ऐसी जगह नहीं है, दिख तो सारे ऊपर आपको, ये देख सब दिख रहा है। तो गाइस अभी मैं डायरीज पे ही हूँ, आपने देखा जैसे ही सीन्स। तो अब नीचे चलते हैं क्योंकि बारिश आ चुकी है, बारिश में भीग जाएंगे हम। तो अब हम चलते हैं सीधा नीचे, तो आपको मिलते हैं बाद में। गाइस अभी हम बैठे हुए हैं, तो मैं बता दूं आपको कि घर पे क्या हो रहा है अभी। तो एक डायरी पे हम सत्संग के भजन लिख रहे हैं सारे, दिखाएं भजन, दिखा देते हैं थोड़े आपको। ये गाइस ये मैंने भजन लिखे हैं, ये सारे भजन बोलने के लिए तैयार कर रहे हैं भजन। कल संकीर्तन है तो उसके लिए भजन थोड़े तैयार कर रहे हैं, अभी दो चार भजन और लिखेंगे इसलिए। तो आपको मैं मिलता हूँ भजन लिखने के बाद। मैं मामा घर आया था अभी, तो मेरे मासी लड़के भी आए दोनों, आओ उन्हें आज आपसे मिलवा देते हैं। ये देखिए अनमोल, और एक ये जीवेश, ये जीवेश ठकराल लोग बनाता है।
इसका चैनल सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स जी बेशक, और इसका 80 गेमर इसका भी सब्सक्राइब कर लेना। लिंक दे देंगे भाई, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें अभी मामा घर आए हूँ, अपने मामा के आने के घर आने के लिए इसलिए आया था मैं क्योंकि आज उनके घर युगल सर का आ रहे हैं। अभी नहीं दिखाऊंगा, कल सत्संग है, कल दिखाऊंगा आपको, तो कल देखना, कल वाले ब्लॉग्स में आएगा वो युगल सर का। आज का ब्लॉग्स यहीं पे एंड करता हूं मैं। तो गाइज आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।